नमस्कार, अर्चना डेलिकेसीज में आपका स्वागत है। आज मैं मिक्स वेज बनाने जा रही हूँ। मिक्स वेज बनाना बहुत ही आसान है और ये सभी को बहुत पसंद आता है। आप कभी भी मेन कोर्स में मिक्स वेज बना सकते हैं और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम शुरू करते हैं मिक्स वेज बनाना। उसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें करीब 2 से 3 चम्मच हम ऑयल लेंगे और एक फूल गोभी इस तरह से काट करके हम धो के इसको फ्राई करेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो मैंने एक छोटा सा फूलगोभी का लिया था। एक गाजर इस तरह से काट करके हम डाल देंगे। जब फूलगोभी थोड़ी सी फ्राई हो जाए उसके बाद हम गाजर डालेंगे और उसके बाद हम बीन्स काट लेंगे 1 कप। बीन्स भी हम इस तरह से काट करके डाल देंगे धो के। और फिर हम और सब्जियां लेंगे और इस तरह से इसको हम चलाएंगे। अब मैंने एक शिमला मिर्च लिया है, शिमला मिर्च भी इस तरह से काट के डालना है। और 4-5 मैंने मशरूम लिए हैं, मशरूम को भी धोकर काट लिया है। 4 टुकड़ों में काटना है मशरूम को। और फिर मैंने पनीर लिया है, पनीर मैंने करीब 100 ग्राम लिया है, उसको क्यूब्स में काट लिए हैं। और सब्जियों को हम फ्राई करते रहेंगे। और एक बोल मटर लिया है मैंने करीब 50 ग्राम और उसको भी हम सब्जियों में डाल देंगे। सारी सब्जियों को अच्छे से फ्राई करना है। और अब हम एक जार में टमाटर लेंगे 3 से 4 और उसमें हम 2 हरी मिर्च डालेंगे और थोड़ी सी अदरक डालेंगे इस तरह से काट कर। अब हम इसको बारीक पीस लेंगे। अब इधर हमारा सब्जी जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, देख रहे हैं आप। अब हम सब्जियों को निकाल लेंगे इस तरह से। फ्राई करना है कि अच्छे से सब्जी पक जाए और फ्राई भी हो जाए। अब मैंने उसी पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें 1 चम्मच जीरा डाला है। 1 चम्मच बड़ा चम्मच ऑयल होना चाहिए। और जो हमने टमाटर का प्योरे बनाया था वो डाल देंगे इसमें। जब जीरा थोड़ा ब्राउन हो जाए तब हम टमाटर का प्योरे डालेंगे और फिर इसको चलाएंगे। अब हम 1 चम्मच नमक डालेंगे इसमें, क्योंकि हमने फ्राई करते समय भी नमक नहीं डाला है। तो अब हम मसाले में इतना नमक डालेंगे कि पूरी सब्जी में नमक हो जाए अच्छे से। और 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच मिर्ची पाउडर डालेंगे और मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे, भुनेंगे। अब हम इसमें धनिया पाउडर डालेंगे, 2 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। सकते हैं। अगर आपके पास बाजार का फ्रेश क्रीम नहीं है तो घर का भी ले सकते हैं क्रीम। क्रीम डालने से एकदम मार्केट जैसा मिक्स वेज बनता है। अब हम इसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी को मैंने क्रश कर लिया है थोड़ा सा हाथ से और फिर इसमें डाल दिए हैं। अब मसाला फ्राई हो चुका है, अब हम फ्राई हुआ सब्जी इसमें डालेंगे। और फिर हम इसको अच्छे से मसालों के साथ मिला लेंगे। अगर आप नॉनस्टिक कढ़ाई में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा मिक्स वेज बनेगा, क्योंकि इसमें चिपकता नहीं है मसाला और ना ही सब्जी चिपकती है और कम तेल में भी अच्छा बन जाता है।
अब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। एक छोटा चम्मच गरम मसाला मैंने डाला है और फिर मसाला डालने के बाद थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे। अब हम इसको ढक देंगे। ढक कर हम इसको करीब 4 से 5 मिनट कम आंच पे रखेंगे, जिससे कि अच्छे से मसाले के साथ सब्जी मिल जाए। और इस पे हम बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे और फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये तैयार हो चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको सर्व करेंगे। अब ये तैयार हो चुका है। आपको मेरी बनाई हुई रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।